नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने के थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। राजनीति के अलग अलग किस्सों में आपको दिलचस्पी है तो इससे शानदार किस्सा क्या हो सकता है। 2014 में जिस मोदी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आने पर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम अपने बेसिक सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं, नतीजों की चिंता नहीं करते हैं। 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी को रोकने के सवाल पर लालू यादव की पार्टी से हाथ मिलाते हैं और सरकार बनाते हैं। 20 महीने बाद लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक बनते हैं, नए आरोप सामने आते हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार बेसिक सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिद्धांतों पर चलने के कारण तो बधाई नहीं दी थी क्योंकि वो उनके ही खिलाफ लिया गया फैसला था। आज उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। जब नीतीश कुमार 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ सकते हैं तो 20 महीना पुराना गठबंधन क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार को बधाई दी थी, तब वे और उनकी बीजेपी हार गई थी, लेकिन बुधवार को जब नीतीश को बधाई दे रहे थे तो उस बधाई में बीजेपी की जीत शामिल थी, ये आप बेहतर जानते हैं। इसलिए कहा कि राजनीति दिलचस्प किस्सों की किताब है, यहां पन्ना बदलते ही सिद्धांत बदल जाते हैं। इस गठबंधन का टूटना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी जीत है। संसदीय बोर्ड में मुस्कुराहटों की ये तस्वीर अपने आप ही सारी बातें कह रही है। बीजेपी ने समर्थन का ऐलान भी कर दिया, एक तरह से ये जो तस्वीर है वो 2019 की है लेकिन आप 2017 में देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय यही बीजेपी चारा घोटाले में लालू यादव के साथ नीतीश कुमार का नाम भी जुड़वाने की मांग कर रही थी, सीबीआई से पूछ रही थी कि नीतीश कुमार की कोई फाइल कब खुलेगी। हालांकि वो आरोप टिका नहीं, रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम नेताओं ने ये ऐसे आरोप लगाए थे लेकिन बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, ये बड़ी खबर है। अपना इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार ने विस्तार से इस्तीफे से पहले की परिस्थितियों के बारे में बताया, कहा कि तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा, हालांकि वे दे देते तो काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते। यही कहा कि जनता के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई दीजिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अंतरात्मा की आवाज है, हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही है, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं, हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। आप वहां की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो, यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से, और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साथ साथ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। एकता तो हम तो विपक्षी एकता के पक्ष पर रहे लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। लालू यादव का खेमा इस्तीफा ना देने पर शुरू से ही अड़ा रहा, तेजस्वी का इस्तीफा, राजद को इस खेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा कम, बीजेपी के साथ जाने की बेचैनी ज्यादा नजर आ रहा।
आया। शायद उन्हें लगा भी नहीं होगा कि नीतीश इस हद तक जा सकते हैं, जबकि इसकी चर्चा गठबंधन के हफ्तों चली कहानी में आ रही थी कि नीतीश इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मगर लालू यादव और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगे आरोपों, उमा भारती के खिलाफ लगे आरोप, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लगे आरोपों का हवाला देते रहे और कहा कि उन्होंने तो FIR या महज आरोपों के कारण इस्तीफा नहीं दिया। लालू ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव 20 महीने तक मंत्री रहे, उनके विभाग से जुड़ा कोई भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं सामने आया? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके बेटे ने तो वो भी तो आता कि वहां उन्होंने करप्शन किया है। लेकिन नीतीश कुमार इन सब बातों से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह संकट आया नहीं, लाया गया है। संपत्ति अर्जित करने और तरीकों और तादाद पर सफाई होनी चाहिए। वे बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे तो कैसे इस सवाल पर जनता का सामना करते? क्या तेजस्वी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था? अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। फिर भी लालू को सुनिए। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा? ये पूरा सेट है। और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई। हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का आता पता भी नहीं है। इसको हम लोग बहुत शुरू से जानते थे लेकिन हमने उचित नहीं समझा था। सिद्धांतों और आरोपों की लड़ाई में चुनाव का अधिकार नेता के पास होता है। कहीं से हत्या के आरोप हैं तो कहीं से जमीन खरीदने के। इस गठबंधन के टूटने में अब कोई कहानी नहीं बची। कहानी तो बीजेपी के खेमे में है। 2019 की पक्की मानी जा रही मोदी की जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य सुरक्षित है या प्रधानमंत्री की दावेदारी, वैसे भी उनके सामने चुनौती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन विपक्ष जरूर भरभरा गया है। 2019 का चुनाव शुरू हो चुका है। अमित शाह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और राज्यसभा में पहुंचने जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक, खबर आ रही है कि बिहार मुख्यमंत्री के निवास की तरफ वो आमंत्रित किए गए हैं, वहां पहुंच रहे हैं। क्या पता प्राइम टाइम खत्म होते होते नई सरकार बन जाए, नया नया कुछ हो जाए। हमारे साथ हरवंश जी हैं, JDU के राज्यसभा के सांसद, और मनीष कुमार हमारे सहयोगी हैं, नवीन जी हैं बिहार की खबरों पर नजर रखते हैं। हरवंश जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये इतनी जल्दी बीजेपी से हाथ मिलाने की क्या पड़ी? अगर तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर इस्तीफा देना था तो पहले इस्तीफा गठबंधन में दिया जाता और गठबंधन के भीतर नए चुनाव, नए नेता के चुनाव की संभावना पर बात होती, उसकी राजनीति होती। जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इस प्रसंग में नीतीश जी की राजनीतिक धारा जो रही है उसको देखा जाना चाहिए। जब बिहार में वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद उनकी सरकार के किसी मंत्री पर आरोप लगा, चाहे वो मंत्री उनके दल का रहा हो या तत्कालीन जो लोग साथ थे सरकार में भाजपा का रहा हो, उनके खिलाफ भी उन्होंने कदम उठाया। अपना अगर कोई मंत्री रहा तत्काल उठाया, अगर वह किसी दूसरे दल का जो उनके साथ सरकार में वह दल शामिल था उनके मंत्री पर आरोप लगाया तो बाकायदे उस दल के बड़े नेताओं से कहकर एक धैर्य के साथ उस धर्म का निर्वाह किया कि हमारी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिस पर गंभीर आरोप लगा। तेजस्वी के साथ आपने ऐसा क्यों नहीं होगा कि तेजस्वी को क्यों नहीं हटाया उन्होंने? उन्होंने तो खुद कहा कि उन्होंने तेजस्वी का कभी इस्तीफा नहीं मांगा। अगर मुझे आप समय दें तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं रवीश जी।
पार्टी के प्रवक्ताओं ने आज से 10 दिन पहले जब हमारी पार्टी की बिहार शाखा के एग्जीक्यूटिव और बड़े सीनियर लोग मिले, उन्होंने फैसला किया और बाकायदे सार्वजनिक रूप से कन्वे किया कि जो भी गंभीर आरोप लगे हैं उन आरोपों के स्पष्ट स्पेसिफिक जवाब जनता के भी जाने चाहिए। इससे स्पष्ट संकेत क्या हो सकता था? और इसके पहले पर खुद इस्तीफा देने की बजाय उन्होंने तेजस्वी यादव को सैक क्यों नहीं किया, ताकि पता चलता कि लालू यादव खुद किधर हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक अपने डिप्टी सीएम को बर्खास्त करते, कहते कि आप हमारे मंत्रिमंडल में नहीं हैं, एक मुख्यमंत्री तो कर ही सकते हैं मंत्री को हटाना, सैक करना, बाहर हटाना। उन्होंने ये दांव लालू पर क्यों नहीं चला कि मैं हटाता हूं इनको, मैं बर्दाश्त, मैंने जब बीजेपी के मंत्रियों को हटाया है, अपने मंत्रियों को हटाया है, विधायकों पर आरोप लगे हैं तो उनको जेल भेजा है, तो मैं यहां भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, या इससे आगे की कोई बात थी कि अब ये रिश्ता नहीं मिल सकता है? रवीश जी आप ठीक कह रहे हैं, यह एक कदम हो सकता था, लेकिन कोई निर्णय हो गया उसके दो चार तरीके से निर्णय हो सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जो जो नेतृत्व कर रहा है, जो कमान संभाले हुए, वह जिसको उचित समझता वो कदम उठाएगा। आपने जो कहा वो एक रास्ता हो सकता था, पर वह रास्ता इसलिए संभव नहीं दिखाई देता कि जिस पार्टी के पास 80 विधायक थे, उनको बार बार स्पष्ट किए जाने के बाद उनके विधायक मिलकर, उनके नेता मिलकर के बिल्कुल साफ कह रहे थे कि नहीं यह संभव नहीं है, और उलट करके आपने देखा कि नीतीश जी ने किस तरह संयम बरता, वो हमेशा बरतते रहे, एक अमर्यादित बात नहीं की। और मैं गिना सकता हूं राजद के बड़े नेताओं की बातें और आरोप, किस तरह की चीजें वो कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में। मनीष, नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब दे दिया है, बधाई जो प्रधानमंत्री ने दी थी उसका उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया है। इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है, पुरानी कहानियों में तो अब कोई बात रही नहीं, अब जो नई कहानी यहां से शुरू हो रही है वो लग रहा है कि बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, आज उसको उसका पाठ किया जा रहा है। निश्चित रूप से रवीश, ये जो पूरा आप घटनाक्रम देख रहे हैं, ये एक तरह से कहते हैं ना वेल कोरियोग्राफ, मतलब आपको कभी भी स्टेज पे आना होता है तो उसके पहले उसकी पूरी ढंग से कोरियोग्राफी होती है, आप उसके रिहर्सल करते हैं, तो ये बहुत ही वेल रिहर्स्ड एक्ट है। और इसके पीछे जड़ में दो बातें मूल रूप से आपको समझना होगा। एक, नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया कि वर्तमान का जो विपक्ष है इसके साथ वो कभी भी अपने प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है फिलहाल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक बार उन्होंने इस चीज को, इस सच्चाई को जब वो उन्होंने समझ ली, उसके बाद में उन्हें लगा कि जो गवर्नेंस है ये भी एक सच है कि महागठबंधन की जो सरकार चल रही थी वो सरकार नहीं चल रही थी। लालू यादव अपने बेटों के पास में 8 मंत्रालय रखे थे और सबको सर्वविदित था, आरजेडी के विधायक भी मानते थे कि जो बीजेपी के साथ जब सरकार चलती थी, खासकर स्वास्थ्य जैसे विभाग जो काफी महत्व, मुख्यमंत्री ने सारी बातें कही आते हैं रवीश, पर ये वाली बात उन्होंने नहीं कही मनीष, कि लालू यादव के कारण सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सिर्फ इस बेनामी संपत्ति और दुनिया में आए हैं जब कोई मरता है तो कफन में जेब नहीं होती है, ये वाली बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 महीने तक मैं सरकार नहीं चला पा रहा था क्योंकि लालू यादव चलाने नहीं दे रहे थे। देखिए रवीश, आप बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन जब आप एक बड़ा निर्णय लेते हैं उसके पीछे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें ये बात महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात यह थी कि जब नीतीश कुमार ने बिहार में नरेंद्र मोदी को पराजित किया, उसके बाद से वो हमेशा ये कहते थे कि एक बार नरेंद्र मोदी ने उन्हें चित किया, दूसरी बार उन्होंने उनको जो राजनीतिक अखाड़े में उनको पटकनी दी, तो अब उनके बीच में कुछ रहा नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी जब भी वो राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी पहल करते थे तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उसे सोबेटाज करते थे, जिससे एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका जो मोह भंग हो चुका था। और ये जो तेजस्वी का मुद्दा है, एक तरह से उन्हें ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज जो कहते हैं, ये परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया। और लालू यादव शायद नीतीश कुमार का आकलन नहीं कर पाए और एक आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही पूरी आरजेडी या कांग्रेस जो है नीतीश कुमार के कदम से स्टंप आउट हुई, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शायद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे। और अभी कुछ देर पहले क्या आपको ये भी लगता है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा छोड़ दी है, विपक्ष के खेमे में उनके लिए जगह नहीं बन रही थी, वो भी वो समझ गए, तेजस्वी एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट की भूमिका वो मुद्दे के रूप में उनको मिलती है,
लेकिन नीतीश को उनको यह भी बताना चाहिए था कि 20 महीने तक तेजस्वी यादव या तेज प्रताप मंत्री रहे तो कैसे मंत्री रहे, क्या उन्होंने लूटपाट की? एक सिद्धहस्त मंत्री के मुख्यमंत्री होने के नाते जिनका प्रशासन पर इतना पकड़ हो, वो ये बात रख नहीं पा रहे, और कैसे ये मान लिया जाए कि सीएम रहते हुए भी वो सरकार नहीं चला पा रहे थे या बिहार की सरकार नहीं चल रही थी? अगर 20 महीने से नहीं चल रही थी तब तो ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे तो जनता को बहुत नुकसान हुआ होगा। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के लोगों का काफी नुकसान इस महागठबंधन की सरकार या धर्मनिरपेक्ष सरकार के चलते हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नेंस एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी थी। दूसरी बात यह है कि राजनीति में आप एक परफेक्ट मौका खोजते हैं, एक परफेक्ट एक्सक्यूज खोजते हैं, और तेजस्वी यादव और कहिए कि पूरे आरजेडी ने इस तेजस्वी यादव के खिलाफ जब सीबीआई का मामला हुआ तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, तो नीतीश कुमार को शायद आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक कई ऐसे मौके मिल गए या उनको एक रीजनिंग, उनको सीढ़ियां मिली जिससे कि वो इनको टाटा बाय बाय कर सके। इसके पीछे देखिए, मैं आपको बता दूं, बार बार लालू यादव का कहना है कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी मुख्यमंत्री को ये बात अच्छी नहीं लगती है, और इस बारे में नीतीश कुमार ने कई बार उन्हें कन्वे कराया था कि आप सार्वजनिक मंच से ना कहें, और लालू यादव का बार बार कहना, लेकिन जैसे दोबारा मुख्यमंत्री फिर से बनाया है। इंटरेस्टिंग है, अब लगता है कि इस राजनीति में जो बड़े नेताओं के बीच होती है, व्यवहारिकता का पहलू ही ज्यादा देखना चाहिए कि कब कहां कौन सी बात पर इनके बीच सामंजस्य हो और उसको दूसरा चेहरा दिया जाए। लेकिन अब जब ये नया गठबंधन बनेगा तो जो जनादेश का जो मुद्दा था, जो भी था, वो सब बातें अब आड़े नहीं आएंगी, वो सब क्या इतनी आसानी से खत्म हो जाती हैं? देखिए, अगर सिद्धांतों की बात कीजिएगा तो मेरा मानना है कि ये गठबंधन जो बनेगा तो वो सिद्धांत विहीन गठबंधन बनेगा, इसलिए कि जैसे भी पहले वाला भी था, बीजेपी कहती थी कि ये सिद्धांत विहीन अप्राकृतिक गठबंधन है, ये प्रैक्टिकल गठबंधन होगा, और जहां मनीष का आर्गुमेंट था कि ये बिहार के हित में होगा वो उतने देर तक हम मान सकते हैं, क्योंकि बार बार बिहार जब हम जा रहे थे तो ये भी हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा कैजुअल्टी हुआ था, ये गठबंधन चल नहीं पा रहा था। लेकिन अगर सिद्धांतों की बात कीजिएगा तो 2015 का बिहार का जो इलेक्शन लड़ा गया था वो लड़ा गया था एंटी बीजेपी सेकुलर प्लैंक पर, और आज ये बीजेपी बैकडोर से अगर इस अलायंस को ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहती है और पूरा मैंडेट को हाईजैक कर लेती है तो ये सिद्धांत की कोई बात नहीं हुई, ये इसमें कोई सिद्धांत नहीं बात है, इसे प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिज्म की बात है। और जब मनीष ने सही बात कहा कि जब नीतीश कुमार ने ये रियलाइज कर लिया कि शायद अपोजिशन के लिए पॉसिबल नहीं है 2019 में नरेंद्र मोदी को वायबल कंटेस्ट देना, देन उन्होंने रियलाइज किया कि बेहतर है कि तो अगर ये किसी को रियलाइज हो तो उसकी राजनीति क्या, बीजेपी में जाके मिल जानी चाहिए, मतलब अपनी राजनीति, ये देखिए या क्या वो अपनी राजनीति नहीं कर सकता? देन देखिए, उन्होंने रियलाइज किया कि बिहार का जहां तक सवाल है, ही हैज रियलाइज नाउ कि ही हैज टू बी 10 साल बीजेपी के रूल में काम करना है, तो एक तालमेल बना लेना चाहिए। जो नीतीश कुमार के साथ थ्रू आउट रहा है, डायरेक्टली उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके लोग उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे हैं, शायद आज के दिन ये बात वंस फॉर ऑल सेटल हो गई कि नीतीश कुमार ने अपने प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस को त्याग दिया क्योंकि अब 2019 में आज जो ये हुआ, वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने महागठबंधन बनाया था कि यहाँ से हम प्राइम मिनिस्टर, जो करीबी लोग थे वो उनको देखते थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, नेचुरली ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड सक्सेसफुल, बिहार को उन्होंने बहुत हद तक रिफॉर्म भी किया ये हम मानते हैं, और उस रूप में लोग देखते थे कि अपोजिशन के सबसे अच्छे फेस हो सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में। लेकिन अभी जो अपोजिशन की राजनीति आ गई है और जिस तरीके से कांग्रेस कंप्लीटली फेल हो गया अपोजिशन पार्टी को साथ रखने में, मेरा मानना है कि आज जो हुआ है, अब मेरा मानना है कि कांग्रेस इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है, कांग्रेस दोषी इसलिए कि अगर जब एक इंटायर क्राइसिस चल रहा है, राहुल गांधी इटली में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी इवन 10 डेज अगो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना क्रूशियल समय है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, राहुल गांधी को बिहार जाना चाहिए था और प्रोएक्टिवली इंगेज होना चाहिए। कि आप अभी भी इस राय पर हैं कि तेजस्वी का इस्तीफा होता तो ये क्राइस संकट टल सकता था? हम नहीं मानते हैं इस बात को, नहीं हम नहीं मानते, इस्तीफा होता तब भी वो जाते। देखिए, आज नकल ये टूटना था, ये दिस वाज जस्ट। हमारे साथ मनोज झा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर हैं। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है कि तेजस्वी का अगर इस्तीफा हो जाता तो गठबंधन
गठबंधन बच सकता था। जैसे आज लालू यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तेजस्वी भी डिप्टी सीएम नहीं है, तो नए नेता का चुनाव हो। तो जब एक तरह से वो स्वीकार कर रहे हैं कि तेजस्वी के बगैर भी कोई नया नेता चुना जा सकता था, तो वो काम वो पहले भी कर सकते थे कि तेजस्वी को पीछे कर सकते थे। जैसा कि नीतीश ने भी कहा कि अगर तेजस्वी ने इस्तीफा दे दिया होता तो वो बड़े नेता बन गए, उनका कद काफी ऊंचा हो जाता। आप रवि जी, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, इस पूरी प्रक्रिया में रहा हूं मैं, आपको एक बात कहता हूं कि एफआईआर में एक व्यक्ति नामित होता है, वो भी इमेजिन क्विड प्रो को, कल्पनाशीलता के आधार पर, और नीतीश जी ने खुद कहा उन्होंने कभी इस्तीफा नहीं मांगा। दूसरी बात जो उनके प्रवक्ता और आज खुद नीतीश जी ने भी कहा कि उनको सफाई देनी चाहिए थी। मैं अद्भुत रूप से मैं विडंबना पाता हूं अपने मुल्क में कि क्या हम कंगारू कोर्ट में तब्दील लोग हैं, बनाने रिपब्लिक बन गए हैं। अगर मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मेरी आय का स्रोत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा, मैं वहां जाकर के बताऊंगा। और मैं दूसरी चीज जो मैं अब तक पीड़ा में, इन्होंने भ्रूण हत्या कर दी एक महागठबंधन के नियोग की, घंटा भर का वक्त नहीं लगा और एनडीए ने उनको नेता चुन लिया। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी के इस्तीफे से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी, न जाने क्यों पूरे बिहार के मानस का अपमान हुआ। मैं समझता हूं कि शायद हाल के इतिहास में कभी मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि आप पब्लिक में जाकर सफाई दीजिए, आपकी दलील ये है कि चूंकि वकीलों ने ऐसा सलाह दिया था तो आप इनकम टैक्स या सीबीआई ईडीआई के ईडी के सामने जाकर देते, तो आपको बीजेपी के नेतृत्व में सीबीआई आईटी और ईडी पर इतना भरोसा कि आप उन्हीं से ये अपने तथ्य रखना चाहते थे। क्या आप पब्लिक में इन बातों को रखते, कभी ना कभी तो ईडी या कोर्ट के सामने दोनों तथ्यों का आमना सामना होता, वो बात पब्लिक में पहुंचती। तो अगर आप पब्लिक में उन तथ्यों को सामने रखते तो क्या आप बेहतर रूप से आज ये कहने की स्थिति में नहीं होते कि हाँ हम बेदाग हैं, हम साफ हैं। रवि जी, तारीख बहुत चीजों को दर्ज करती है। लालू प्रसाद जी ने स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 14 अप्रैल को की इसी मसले पे। और मैं बताऊं, मैंने 2 आर्टिकल पब्लिक डोमेन में लिखी, मैं दल का प्रवक्ता हूं, मैं आपको एक एक चीज दलील के आधार पर कह रहा हूं कि कैसे एफआईआर किया गया, कैसे इमेजिन किया गया कोई प्रो को। और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में सिर्फ लालू प्रसाद जी और हमारे परिवार पर, राजद परिवार पर नहीं हो रहा है, ममता जी पर हो रहा है, केजरीवाल जी की पूरी टीम पर हो रहा है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जहां जहां असहमति विरोध के स्वर हो, चाहे वो राजनेता हो या कोई टेलीविजन मीडियम हो, उस पर हो रहा है। हम नीतीश जी से याचना कर रहे थे नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी खुद सफाई दें या लालू यादव, नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी पे लगे हुए आरोपों से वे संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि ये आरोप गंभीर हैं। उन आरोपों की सत्यता पर एक मुख्यमंत्री की क्या राय है, ये सामने नहीं आई। दरअसल मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, हाँ, कि पहले भी इस तरह के जब भी आरोप जिन फोर्मों से जिन संस्थाओं से आरोप लगे, उस तरह के आरोप अगर उनकी सरकार के मंत्रियों पर लगे तो उस स्थिति में उन लोगों ने यह कदम उठाया, इसलिए स्वाभाविक अपेक्षा थी। और पिछले एक महीने से लेकर ये चीजें सार्वजनिक, तो कम से कम मुख्यमंत्री को ये नहीं बताना चाहिए था कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, मैंने देखे हैं, मैं बहुत सत्य में हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर रवीश जी पार्टी ने कहा कि जो आरोप लगे हैं उन पे सार्वजनिक ढंग से बयान दिए जाएं और एक एक का प्रामाणिक तौर पे क्या पक्ष रखा जाए, ये बिल्कुल एक प्रशासक की क्या राय है इन घोटालों के ऊपर कि वो गंभीर हैं या नहीं, उनकी कोई राय नहीं आई या आई, मैं आप ही से जानना चाहता हूं। रवीश जी, इन चीजों पर जो अंदर दोनों व्यक्तियों की बात हुई उसमें क्या बातें हुई, ये सार्वजनिक नहीं है। बहुत सारी चीजें अंदर की सार्वजनिक नहीं होती, और नीतीश जी का जो स्वभाव है उसमें उनका बयान, उनका कथन बहुत संतुलित और मर्यादित रहता है, ठीक है। इसलिए आपने कभी नहीं पाया होगा कि पिछले एक महीने में उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही हो जिससे महागठबंधन को धक्का पहुंचे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी से लौट कर आ रहे हैं।
हरिवंश जी, समय कम है लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक जनादेश आपके गठबंधन को मिला था नेता को, और जब भी कोई नेता भ्रष्टाचार के सवाल पर इस्तीफा देता है पब्लिक उसे जरूर महत्व देती है, पब्लिक ने उसे कभी निराश नहीं किया। क्या ये बेहतर नहीं होता कि इस्तीफा देने के बाद बिहार में एक बार चुनाव ही हो जाता, क्योंकि अब जो गठबंधन बनेगा उसके साथ जनादेश तो नहीं है, हो सकता है जनता को भी मौका मिलता नीतीश के साथ खुलकर आने का। रवीश जी, भविष्य में क्या कदम उठेंगे उस पर टिप्पणी करने के बजाय मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति देश की राजनीति में आज नैतिक कारणों से यह कदम उठा सकता है, सत्ता को ऐसी चीजों पर, ऐसे सवालों पर ठुकरा सकता है और अपने मंत्रिमंडल के लोगों की साफ छवि के लिए कदम उठा सकता है। हरवंश जी, वो सत्ता तो 2 घंटे के भीतर मिल गई, 2 घंटे के भीतर सत्ता मिल गई। ये रवीश जी, अभी क्या आगे कयास आप लगा रहे हैं, ये होने वाला क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तो हो चुका। हाँ, मतलब सरकार तो बनेगी, वो समर्थन की खबरें आ रही हैं। जी ठीक है मनीष, आना खबर, उस पर कोई निष्कर्ष अभी ना निकाले आप, लेकिन इस बात पर तो जो हो चुकी है चीज कि एक व्यक्ति ने नैतिक कदम उठाए उसकी बात तो करें, ठीक है वह तो आप देखें। मनीष, मेरा सवाल यही सवाल आपसे भी है कि क्या बिहार में चुनाव बेहतर नहीं होता? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक तरह से इनिविटेबल था, क्योंकि लोगों ने एनडीए की सरकार देखी, लोगों ने महागठबंधन की सरकार देखी। अगर आप जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उस हिसाब से आप कहें तो ये सारा कुछ जो है नेचुरल कल्मिनेशन है, ये होना ही था। और ये काफी दिनों से इसके लिए स्थितियां कही हैं, परिस्थितियां कही हैं, या उसी तरीके से जो भी इसके एक्टर थे, चाहे कांग्रेस पार्टी या आरजेडी, उसी तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, तो ये सब कुछ इनेविटेबल था। जहां तक आप कह रहे हैं चुनाव का सवाल है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता फिलहाल, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से ज्यादा उसे गवर्नेंस की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं चाहती है कि जो नीतीश कुमार के पहले शुरू के 10 सालों में जो गवर्नेंस था, अगर उस बैक टू बेसिक भी हो जाए तो बिहार की जनता काफी राहत महसूस करेगी। जी मनोज हमारे साथ है। मनोज, ये बार बार सबकी बातों में आ रही है कि 20 महीनों से लालू यादव के कारण, आरजेडी के कारण वहां पर सरकार नहीं चल रही थी, प्रशासन शिथिल हो चुका था, जिस वजह से और अन्य कारणों से भी ये माना जा रहा था कि अब ये गठबंधन ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि नीतीश कुमार अपने काम काज में किसी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए रवीश, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि नीतीश जी खुद इतना के बावजूद कलेजे पे हाथ रख करके कह दें कि ऐसा सचमुच था, चाहे तेजस्वी के विभाग की बात हो या हमारे अन्य मंत्रियों के विभाग की बात हो। कई बार जब समीक्षा भी हुई, कभी भी हर हमेशा राजद कोटे के मंत्रियों की तारीफ हुई है। अब अगर कोई प्रवक्ता के कुछ कहे तो मैं उसमें, दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं क्राइम, अरे एक बार आंकड़ा तो जांच लीजिए कि हमारी वजह से क्या हुआ है। लेकिन आप नहीं करना चाहते, मतलब मैं समझता हूँ कि लोग नहीं बोलना चाहते हैं। सबसे दीगर बात यह है कि जो अन्य कारणों का आपने जिक्र किया, हम लगातार ये कह रहे थे, हम आग्रह कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर इन्वॉल्व था कि कुछ भी ऐसा ना हो कि गठबंधन का मिजाज और मर्म टूटे। लेकिन आज जब घंटे भर के अंदर नीतीश जी को एनडीए का नेता चुन लिया गया ना, तो अब मैं समझता हूँ कि मुझे रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि इसका तेजस्वी के इस्तीफे से कोई संबंध नहीं था, जो वो खुद कह चुके थे। पटकथा एक लिखी जा चुकी थी, उनकी मजबूरियां होंगी कि वो क्यों संघ मुक्त भारत की बात करते करते संघ युक्त बिहार बनाने को क्यों चल पड़े। मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूरियां वो जानते होंगे, पर इतने सारे जब आरोप लगे, मनोज जी, तो अगर एक पृष्ठभूमि बन रही थी इस तरह से, जो भी ठीक है, तो उसमें एक नैतिकता का मौका दिखाने का आपको, आपके पास भी था वो, उस मानदंड को रखने का कि ठीक है हम अभी इस्तीफा देते हैं, सरकार तो जा नहीं रही थी, संख्या आपके पास ही थी, तो एक कोशिश तो करते आप लोग भी बचाने के लिए। रवीश जी, FIR हुई थी, चार्जशीट तक फ्रेम नहीं हुआ है रवीश जी। ना जाने क्यों अचानक में पूरा देश और देश की मीडिया का एक बड़ा वर्ग बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहा है, FIR के आधार पर अगर इस्तीफा होने लगे तो आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, नीतीश जी स्वयं, कोई नहीं बचेगा राजनीति में। आप वो मौका आने देते, आप देखते कि चार्जेस, और हम बार बार कह रहे थे कि आप चार्जेस का नेचर दिखो। नीतीश जी तक से हमने कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, लेकिन जब उन्होंने अपना ठिकाना तय कर लिया था कि वो उनके साथ जाएंगे जो विपक्षियों को ठिकाने लगाने की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नीतीश जी ने एक जो राह चुनी है
उनको मुबारकबाद, लेकिन बिहार की आवाम उनको माफ नहीं करेगी। उनको गरीब तो इसमें अब पता चलेगा, क्योंकि चुनाव तो हो नहीं रहा है, तो इसमें जनता की राय तो इसमें शामिल ही नहीं है कि जनता लालू यादव के फैसले के साथ जाएगी या फिर नीतीश कुमार के साथ जाएगी। मनीष, एक छोटा सा सवाल है कि सुशील मोदी अब कह रहे हैं कि वो सरकार में शामिल होंगे, अभी चुनाव के बाद वहां के पत्रकार कहते थे कि बीजेपी में ही सुशील मोदी हाशिए पे चले गए हैं, लेकिन ये पूरी लड़ाई अगर आप देखें तो सुशील मोदी ने ही जीती है, एक तरह से बीजेपी को भी सरकार में ले आए और अपनी भी वापसी की है उन्होंने। निश्चित रूप से अगर आप कहें तो पिछले 3 महीने से सुशील मोदी एकमात्र नेता रहे हैं। शुरू के दिनों में जब लालू यादव के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज के डिस्क्लोजर्स थे जब वो कर रहे थे, तो पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। बाद में जब भुवनेश्वर में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ, उसके बाद पार्टी के नेताओं ने उसकी गंभीरता को समझा और उसके बाद उनका समर्थन करना शुरू किया या पार्टी की तरफ से उनको रिसोर्सेज मिलना शुरू हुआ। तो वो आप कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी और सुशील मोदी अगर एक दूसरे के लिए सिनोनिमस हैं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। हालांकि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, दोनों उनसे खुश नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार आप कह सकते हैं कि अपने कामों के बलबूते और ये जो अभियान उन्होंने रखा, फॉर्डर्स कैंप के दिनों में भी वो एक ऐसे कॉन्स्टेंट कैरेक्टर हैं जो फॉर्डर्स कैंप में भी थे, वो बिटुमिन स्कैम में भी थे और लालू यादव के अभी जो प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर्स हुए हैं उसको भी उन्होंने तार्किक परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। और ये बीजेपी में आपको बता दूं बहुत सारे नेता रहे हैं, जैसे कि नंद किशोर यादव या रामकृपाल यादव, उन्होंने कभी एक बयान भी नहीं दिया और सुशील मोदी भी खुद एडमिट करते थे कि कहीं ना कहीं पार्टी का एक बड़ा तबका जो है उनके साथ में नॉन कोऑपरेशन चला रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, शुक्रिया मनीष, अब समय नहीं है, एक मोदी से लड़ने चले थे नीतीश कुमार जी, अब उनके साथ दो दो मोदी हैं, तो डबल मोदी की सरकार, डबल इंजन की। ब्रेक के बाद जो आज बुधवार के दिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने कहा है, उनके बयानों का एक थोड़ा सा सार संग्रह देखते हैं। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। मैंने रात को भी आप नीतीश जी से बात किया था कि भाई आप और हम कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ मिल करके हम लोग तय करो क्या करना है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे, समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। समूचा सेट था इमाम का और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था तो हम लोग क्या गलती कहा। ये पूरा सेट है और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर बात, जब महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से, हमारी लालू जी के साथ आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं, हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहां की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो, यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।
अगर उसको स्पष्ट कर देते वो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं, अब ऐसी स्थिति आई जब तक चला सकते थे चला दिया। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई, हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का आता पता भी नहीं है, जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे, कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई, ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथा कथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक एक वोटर की हत्या। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है, ऐसा नहीं है कि कोई लिखी हुई बात है। और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर ही कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। ये मिले हुए हैं भाजपा से आरएसएस से, क्या सेटिंग है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर रहे हैं। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं, गांधी जी ने हमेशा कहा है कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। आपने इस्तीफा दे दिया, हमको बहुत दुख हुआ, जाने के पहले आपने हमको प्रणाम किया, कहा कि आपका आशीर्वाद बहुत रहा है, हमने मना किया, आज भी फिर मना किया, एक काम मत करो, 5 साल के लिए जनता ने भेजा है गठबंधन के लिए, सांप्रदायिक ताकत हम लोग को समाप्त करना चाहता है, ये क्यों कर रहे हो। बोलेगे हमसे अब नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों के का आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया, तो सब आरजेडी के एमएलए और समुचित जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ के नया नेता चुने, नया नेता चुन के नई सरकार आप बनाइए भाई। गठबंधन हम है और विपक्षी एकता,
तो हम तो विपक्षी एकता के पक्ष पर रहे, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता, विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी हमेशा से संघ मुक्त के बारे में बात करते थे और उन्होंने घुटने टेक दिए संघ के आगे,